हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी चौरसिया ब्लॉग्स। गाइस, हमारा एमपी पटवारी का आंसर की रिलीज होने के बाद काफ़ी स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि 2023 में एमपी पटवारी एग्जाम का कट ऑफ क्या हो सकता है। तो चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। गाइस, कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज ये बताना चाहूंगी कि जो भी मैंने ये रेंज ली हुई है वो आफ्टर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की ली हुई है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि कट ऑफ डिसाइड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन हमारा कट ऑफ क्या हो सकता है वो हर कैटेगरी के अनुसार मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कि अलग अलग कैटेगरी का कट ऑफ 2023 में कितना होने वाला है। चलिए गाइस, तो देख लेते हैं कि हमारा एमपी पटवारी का 2023 कट ऑफ क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जनरल कैटेगरी का। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन गाइस ये 150 से 155 के बीच में हो सकता है हमारा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ। नेक्स्ट यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ काफ़ी हद तक ओबीसी के कट ऑफ से मैच करता है। तो लगभग 145 टू 150 हमारा हो सकता है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कट ऑफ। अब देखते हैं हम ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का कट ऑफ। तो ओबीसी वाले कैंडिडेट्स का 142 टू 148 के बीच में एक रेंज है जहां हमारा कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है एससी कैटेगरी का कट ऑफ, जो कि 120 से 125 के बीच में रह सकता है। और लास्ट है हमारा एसटी कैटेगरी का कट ऑफ, जो कि 115 से 120 के बीच में हो सकता है। तो ये मैंने पूरी रेंज बता दी है हर कैटेगरी की कि हमारा 2023 एमपी पटवारी का कट ऑफ क्या हो सकता है। अब कमेंट सेक्शन में आप मुझे अपने रॉ मार्क्स ज़रूर बताइए, साथ ही साथ ये भी बताइए कि आंसर की आने के बाद कितने क्वेश्चंस पर आपने ऑब्जेक्शन रेज किए हैं जो कि आपको सही लग रहे हैं बट गलत आंसर दिया हुआ है। आगे वीडियो में बने रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें। और इसी तरह आप चैनल के थ्रू हर एग्ज़ाम्स के व्यू देखते रहें और एनालिसिस कर पाएँ कि किस तरीके के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।